बाईपास के पास जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने सारथी हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। इस अवसर पर जिला सिविल सर्जन ने अस्पताल के सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने की अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि कोविड-19 में जहां लोग अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं ना मिलने की वजह से अपनों से दूर हो गए थे, अगर अच्छे अस्पताल और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती तो इस तरह की समस्या सामने नहीं आती। इस अवसर पर पूर्व विधायक कैर सिंह रावत, होडल के विधायक के सुपुत्र राहुल नायर, नगर परिषद पद के भावी उम्मीदवार शीशपाल बार एसोसिएशन के प्रधान सुनील नागर समेत जिले के तमाम अधिकारी व गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेरा मानना है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा की जो अवस्था है वो देश की हमेशा अच्छी होनी चाहिए। कि कोई भी देश प्रोग्रेस जब ही करता है जब वहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर होती है। आप शिक्षा में देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल दोनों अपने अपना रोल निभाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो जिला स्वास्थ्य विभाग या जो जिला प्रशासन का सरकारी तंत्र है वो अपना रोल निभाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना प्राइवेट संस्थाओं में इलाज कराना चाहते हैं। अगर हम होडल की बात करें या जिला पलवल की बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट अस्पताल की आवश्यकता और ज़्यादा है, क्योंकि बहुत गिने चुने ही ऐसे अस्पताल हैं जो कि कार्य कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर हम जिले की जनता की बात करें 12.5 लाख और ख़ास तौर से होडल की बात करें तो होडल हमारे प्रदेश का, अगर उत्तर प्रदेश से एंट्री लेते हैं तो ये प्रवेश है और अगर पंचकुला से देखें तो ये आखिरी हमारा सब डिवीज़न आता है। तो ऐसे के अंदर यहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ होनी चाहिए। जहाँ तक जिला स्वास्थ्य विभाग की बात है तो हम लोग प्रतिबद्ध हैं अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए और आज जो ये उद्घाटन किया गया है मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा अस्पताल प्राइवेट हॉस्पिटल प्रशासन को, डॉक्टर साहब को और इनकी पूरी टीम को, और कहना चाहूँगा कि पूरा ईमानदारी से लगन से अच्छे से काम करें। लोगों को आपकी आवश्यकता है और आप अच्छे से उनके दिलों में आप बसेंगे, लोग आपके पास अपने आप इलाज के लिए आएंगे। और एक डॉक्टर का काम जो है वो इस प्रकार का होता है जैसे कोई वनडे मैच नहीं है, वो एक टेस्ट मैच है जो लंबा चलता है और उसके अंदर लगातार आपकी परफॉर्मेंस, आपका नाम अपने आप आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे बनता है। और मैं अपनी तरफ से यही शुभकामनाएं देना चाहूँगा शुभारंभ के समय पर कि आप अच्छा कार्य करें, एथिकली कार्य करें, ईमानदारी से काम करें और क्वालिटी का काम करें, अच्छा काम करें। जय हिंद। मैं डॉक्टर सोमदत्त, MD फिजिशियन एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन कंसल्टेंट। हाँ जी बिल्कुल। किस तरह से लोगों को सुविधा का वादा करते हैं और क्या बेनिफिट्स आप देने वाले हैं? हम पलवल डिस्ट्रिक्ट में अपने होडल, तहसील होडल में हम सभी गरीब लोगों के लिए एक नई व्यवस्था लाए हैं। हम अब सभी गरीब लोगों के लिए प्रत्येक रविवार को गरीब, सीनियर सिटीजन और बच्चे फ्री OPD रखेंगे। सबका जाँच, हम कुछ जाँचें, बेसिक जाँचें भी हमको लिए फ्री रखेंगे। महिलाओं के लिए कुछ विशेष सुविधाएं? महिलाओं के लिए हम बहुत अच्छी सुविधा लेके आए हैं। जिस भी महिला को लड़की की प्राप्ति होगी उसके लिए हम अलग से उसको अनुदान राशि हम प्रोवाइड करेंगे और हम उनके लिए 24 घंटे एम्बुलेंस, उन 15 किलोमीटर एरिया में 24/7 हम एम्बुलेंस की सुविधा रखेंगे। फ्री सेवा रहेगी? फ्री। क्या लगता है कि जिस तरह यहाँ पर जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट बैठेंगे उसके अलावा क्षेत्र की जनता को और क्या महत्वपूर्ण सुविधाएं आप देने का काम करेंगे? हम सभी के लिए कोविड काल से निकलने के बाद, कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को समस्याएं हो रही हैं। हमारे इलाके में ICU की बहुत बड़ी दिक्कत थी, हम ICU को तैयार कर रहे हैं और उसमें बहुत जल्दी से हम ICU स्थापित कर देंगे। जिसको भी नीड होगी हम मिनिमम प्राइस में ICU की फैसिलिटी देंगे, एमरजेंसी देंगे और प्राइवेट वार्ड अच्छी सुविधा, साफ सफाई बहुत अच्छी हम सुविधा देने वाले हैं। क्या मैसेज आप होडल की जनता को देना चाहोगे? होडल की जनता को हम एक मैसेज देना चाहिए, हमारे पास आइए, हमसे विश्वास रखिए, हम पर विश्वास रखिए, हम उनको सुरक्षित रखेंगे और अच्छा रखेंगे। सर जी, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत चौधरी है। डॉक्टर साहब, आज आपने सारथी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ है जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत। किस तरह की सुविधाएं आप यहाँ पे लोगों को देंगे? हम यहाँ पे 24 आवर हम इमरजेंसी सेवा देंगे, ठीक है, और 24 घंटे हम मेडिकल स्टोर की सुविधा देंगे, 24 घंटे हम एम्बुलेंस की सेवा देंगे लोगों को, और 9 से 5 हमारी जनरल OPD रहेंगी जिसमें हमारे कंसल्टेंट्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठेंगे, और 24 आवर इमरजेंसी में हमारे 24 इमरजेंसी डॉक्टर्स अवेलेबल मिलेंगे आपको जब भी आप आएंगे।
कौन कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पे एमडी फिजिशियंस हैं, इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट है, ठीक है, कार्डियो डिपार्टमेंट है, पीडियाट्रिशियन डिपार्टमेंट है, और एक ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट है। ये हमारे डिपार्टमेंट्स हैं। क्या लगता है कि लोगों को यहाँ पर क्या बेस्ट सुविधाएँ होटल में आप देने का काम करें? देखो, बेस्ट तो नहीं कह सकते, पर कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि हम लोगों को बेहतर सुविधाएँ दे सकें। यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे, लोग हमें कोऑपरेट करेंगे, हम लोगों को कोऑपरेट करेंगे, बस यही है हमारा। होटल की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम सारथी हॉस्पिटल की तरफ से मैं मैसेज देना चाहूँगा कि लोगों को एक बार ज़रूर आएँ और हम पर विश्वास करें, एक बार मौका ज़रूर दें हमें कि हम क्या हैं और क्या हमने किया है आपके लिए।